तंगहाली से गुजर रहे पाकिस्तान की माली स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कर्ज के इंतजार में पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान का बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसकी मरम्मत किए जाने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो इन बिजली ग्रिड्स की मरम्मत करा सके। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज के अनुसार पिछले साल दिसंबर महीने में पाकिस्तान के सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनेग्रो कॉर्प ने एक चीनी कंपनी के साथ मिलकर थारपरकर रेगिस्तान में एक पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन शुरू किया, तो पता चला कि उसका वितरण और ट्रांसमिशन ही नहीं हो पा रहा क्योंकि इसका नेटवर्क लगभग बर्बाद हो चुका है। एनेग्रो की एनर्जी शाखा के CEO शमसुद्दीन शेख ने खुद यह बात स्वीकार की। शेख ने कहा, सिस्टम पहले से ही ढह चुका है, यह चल बस इसलिए रहा है क्योंकि सरकार हर कुछ महीने के बाद पैसा लगाती है, कुछ आर्थिक सहायता देती रहती है ताकि यह सिस्टम काम करता रहे। इसके लिए काफी ओवरहॉलिंग कार्य की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अपनी आधी बिजली उत्पादन क्षमता तो पिछले 5 साल चीन की मदद से हासिल की है, लेकिन कमजोर वितरण नेटवर्क की वजह से लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। आपको बता दें, इमरान खान ने प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पिछले महीने ही पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक दिन अचानक रात भर बिजली गायब हो गई। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस शहर के लोग गुस्से में ट्विटर पर अपनी भड़ास निकालने लगे और इमरान के नए पाकिस्तान के दावे का मजाक उड़ाया जाने लगा। आपको बता दें, बड़े पैमाने पर बिजली चोरी, भुगतान की गड़बड़ व्यवस्था की वजह से पाकिस्तान सरकार को भारी सब्सिडी देनी पड़ी है और इससे अब तक पाकिस्तान पर कुल 1.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।